जल्दी चलो। मैंने कर दिखाया, मैं फर्स्ट आया। मॉम मेरी इस ट्रॉफी के साथ एक फोटो खींचिए ना। हाँ, क्यों नहीं। अरे मेरा कैमरा कहाँ चला गया? मिल गया कैमरा। सुनियो बेटा, स्माइल स्माइल करो, से चीज। अब अपनी ये ट्रॉफी वाली फोटो मैं अपने सारे दोस्तों को दिखाऊंगा मॉम। सबको पता चल जाएगा कि विनर तुम हो। हाँ, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? मैं इसमें फिल्म डालना तो भूल गई। हाँ, आप कितनी भुलक्कड़ है मॉम। मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ। ऐसा अच्छा मौका जिंदगी में सिर्फ एक ही बार आता है और मेरे पास उसका कोई सबूत नहीं है दोस्तों। तुम ठीक कह रहे हो, मेरे पास भी कोई सबूत नहीं है कि मैं चॉकलेट ईटिंग कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आया था। तुमने सही कहा, मेरी पियानो रिसाइटल की पिक्चर भी कहीं खो गई है। हाँ हाँ, मुझे भी याद आया, मेरी भी खो गई थी जब मैं फर्स्ट आया था। तुम कब फर्स्ट आए थे और किस चीज में फर्स्ट आए थे, जरा बताना तो। नोबिता, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम झूठ बोल रहे हो, समझे? अरे नहीं नहीं जियान, कैसी बातें कर रहे हो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं भी एक बार फर्स्ट आया था। ओके, मैं ये नहीं मान सकता। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है नोबिता? मैं कह रहा हूँ ना, मैं फर्स्ट आया था। अरे अरे कोई बात नहीं नोबिता, मैं अभी तुम्हारी मदद करता हूँ। फर्स्ट प्लेस रेडार। लेकिन ये कैसा गैजेट है, इससे क्या होगा डोरेमोन? देखो मेरा ये गैजेट बहुत कमाल का है, जब तुम इस रेडार की स्क्रीन को छुओगे तो उस इंसान की तस्वीर आएगी जो फर्स्ट आया था, समझ गए तुम सब? तो क्या पिक्चर ना होने पर भी ऐसा हो पाएगा डोरेमोन? बिल्कुल हो पाएगा। चलो नोबिता, अब तुम रेडार की स्क्रीन को टच करो। अब तुम रुक क्यों गए नोबिता, चलो आगे बढ़ो। अरे नोबिता क्या बात है, तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? देखो अब ये मत कहना कि तुम फर्स्ट आए ही नहीं थे, समझे? मैं फर्स्ट आया था, मुझे लगता है। क्या लगता है? मैं फर्स्ट आया था जब मैं बहुत छोटा था, मुझे याद नहीं, पर मॉम ने ही मुझे ये सब बताया था दोस्तों। ये साबित करेगा ये सच है या नहीं, कॉन्फिडेंट रहो और कोशिश करते रहो। हाँ, अब चलो भी नोबिता। ठीक कहा। खोज शुरू हो रही है, खोज पूरी हुई। हाँ? अब प्रिंट ले लीजिए। हाँ, ये रहा मेरा फोटो। पर ये फर्स्ट प्राइज तुम्हें मिला क्यों था? मैं बेबी क्राइंग कॉन्टेस्ट में दूसरे बच्चों के मुकाबले सबसे ज्यादा रोया था, तुम फोटो में भी देख सकते हो। अच्छा ये बात है, तो तुम बचपन में बहुत रोते थे नोबिता। तुम ऐसे ही प्राइज जीतने के लायक हो। वाओ नोबिता, तो फर्स्ट प्राइज तुमने रोने में जीता था। इससे क्या फर्क पड़ता है तो प्राइज ही ना। हटो, अब मेरा नंबर है। नहीं नहीं, पहले मैं देखूंगा। नहीं पहले मैं देखूंगी। नहीं मैं देखूंगा, पहले मैं देखूंगा। तुम सब प्लीज शांत हो जाओ। हाँ यही वो प्राइज है जो मुझे मिला था, ये बहुत ही कमाल का लम्हा था दोस्तों। ये फोटो देखकर तो मेरे मुंह में फिर से पानी आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं शिजुका। उन्हें क्यों लगता है कि बेबी ग्रैंड कॉन्टेस्ट में फर्स्ट आना अजीब है? अरे नहीं नोबिता, ऐसा नहीं है, इसमें कोई अजीब बात नहीं। देखो छोटे बच्चे तो रोते ही हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि मॉम और डैड को तुम्हारे प्राइज से बहुत खुशी हुई होगी। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? समझ गया। डोरेमोन, क्या तुम्हें लगता है मॉम और डैड को कभी अपनी जिंदगी में फर्स्ट प्राइज मिला होगा? हाँ हो सकता है। चलो भी डोरेमोन, तुम भी देखना चाहते हो ना? ठीक है तो चलो चले। हाँ, मेरा पहला प्राइज कौन सा था? लेकिन नोबिता मुझे तो ठीक से कुछ भी याद नहीं आ रहा है। अब जल्दी जल्दी बताओ ना। अपना हाथ यहाँ रखिए मॉम। ये क्या है? खोज पूरी हुई। हाँ वो रहा। अरे हाँ, ये तो कमाल हो गया। अरे हाँ, मैं ये जीती थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं भला इसे कैसे भूल सकती हूँ। मॉम आप कितनी क्यूट दिख रही हैं। अब इतनी ज्यादा तारीफ भी मत करो नोबिता। क्या देख रहे हो, मुझे दिखाओ, मैं इसमें काफी जवान लग रहा हूँ। हाँ आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। और आपका पहला प्राइज? मेरी जिंदगी का पहला प्राइज, पहला प्राइज मेरे ख्याल से वो एक आर्ट पीस था, एक आर्ट एग्जीबिशन में, जहाँ तक मुझे याद है। ओके, अच्छा अपना हाथ यहाँ रखिए। ठीक है। खोज पूरी हुई। दिखाओ मुझे। क्या कर रहे हो? अरे डैड आप तो बचपन में बहुत क्यूट थे। ये कौन है? ये मेरे दादाजी है क्या डैड? दिखाओ।
इस बात से मुझे याद आया नोबिता के दादाजी यानी मेरे पिताजी अपने जमाने में बहुत बहादुर थे और पता है उस वक्त कोई भी आदमी उनका मुकाबला नहीं कर पाता था। मुझे स्पोर्ट्स में कभी भी फर्स्ट प्राइज नहीं मिला क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स पसंद नहीं थे। अगर तुम मेरे बेटे हो तो तुम्हें एक बार फर्स्ट आना ही होगा। वो हमेशा मुझसे यही कहा करते थे। मैं हमेशा कोशिश करता था। चेक सुमो केंजो, मैं किसी भी खेल में कभी भी फर्स्ट नहीं आया। जब मुझे पहली बार फर्स्ट प्राइज मिला तो वो था अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये देखो, ये है वो सर्टिफिकेट। ये शोर कैसा है पापा? ये देखिए, मैंने ड्राइंग बनाई और मुझे इसमें पहला प्राइज मिला। हाँ देखिए ना, कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है इसने। पापा ने कहा हाँ मैंने देखा, पर वो उतने खुश नहीं थे जितना होना चाहिए था। वो चाहते थे कि मैं टैग या सुमो में प्राइज लूं, पड़ोस के बाकी बच्चों की तरह। इसी वजह से वो इस फोटो में निराश दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद मैंने उस आर्ट पीस को रोल किया और फेंक दिया, पर जब भी मैं इसे देखता हूँ मुझे उनकी बहुत याद आती है। बहुत ही अच्छे थे वो। मुझे पता है आपको कैसा लग रहा होगा। जब मैंने फर्स्ट प्राइज लिया सब लोग मुस्कुरा रहे थे, पर वो दुखी भी थे डैड। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अरे नोबिता क्या हुआ? एक आइडिया। अरे नोबिता रुको, मैंने कहा रुक जाओ। तुम अब क्या करने वाले हो बताओ मुझे। मैं टाइम मशीन यूज करने वाला हूँ दादाजी के पास जाने के लिए। तुम समझ गए डोरेमोन? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर ये अच्छा नहीं है, तुम भी जानते हो ना डोरेमोन, डैड ने इतनी मेहनत की थी उस प्राइज को लेने के लिए। हाँ ये बात तो ठीक है, पर अरे नोबिता रुको। मेरी वजह से पापा हमेशा उदास रहते थे, पता नहीं क्या क्या सोचते थे। आप अपने पापा की बात कर रहे हैं तो मुझे याद आया, आपको याद है उनका एक फेवरेट ट्रंक हुआ करता था, वो उसे कितना संभाल कर रखते थे। क्या हमारे पास है? मैं घर आ गया। ओके चलो चलते हैं। एक मिनट रुक जाओ नोबिता, लेट्स रोल अ स्टोन। अब जल्दी से इसे सर पर पहन लो। जाओ। हाँ? हाँ? मुझे लगता है मुझे दादाजी से कुछ कहना है। नोबिता जरा वहाँ देखो। हाँ? हाँ? अरे वाह, मेरे बेटे ने मेरी तस्वीर तो बहुत अच्छी बनाई है। अरे दादाजी सुनिए, शोर क्यों मचा रही हो? मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या आपको नहीं लगता कि अपने बेटे की आपको थोड़ी तारीफ करनी चाहिए? ऐसा करने से वो खुश हो जाएगा। अगर मैं उसकी तारीफ करता तो ये उसकी आदत बन जाती, तुम समझ गई ना? हाँ लेकिन हाँ? आप भी ना। वैसे एक बात कहूँ डोरेमोन, दादाजी कितने खुश थे, है ना? हाँ नोबिता तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन वो डैड के सामने ये नहीं दिखाते थे कि वो खुश है। मजे की बात तो ये है कि अब तक हम अलमारी के ड्रॉर में छुपे हुए थे। किसी को भी पता नहीं चला। हाँ याद आया। अरे क्या बात है नोबिता? तुम्हें पता है वो अलमारी अभी भी दादाजी के कमरे में है डोरेमोन। हाँ हाँ ये रहा, अब जरा इसे खोलो। हाँ ये तो खाली है। खाली है, ये भी खाली है। अरे उन्होंने तो यहाँ कुछ
कुछ भी नहीं छोड़ा। अरे सुनिए डैड, क्या आपको पता है आपका वो स्केच कहाँ है? हाँ,